सम्मान के लिए जिस तरह से आपने संदेश दिया क्या मैं विभीषण वारे यांना मनापासून वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देतो। एक चांगला कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी मध्ये सामील झालाय आणि त्याचमुळे अशा प्रकारचा सामाजिक कार्यक्रम मोठ्या प्रमाणावर संपन्न होतोय आणि हजारोच्या संख्येने ज्येष्ठ महिला आशीर्वाद वारेंना देण्यासाठी या ठिकाणी उपस्थित आहेत। कारण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेब हे गरिबाच्या कल्याणासाठी काम करतात, सामाजिक बांधिलकीतनं काम करतात आणि तोच आदर्श आज या ठिकाणी वारे जपतायत। आता आमच्या सचिन शिरवाडकरांचा वाढदिवस झाला, तोही सामाजिक उपक्रमांनी। परवा आमच्या नावाडकरांचा वाढदिवस झाला, तोही सामाजिक उपक्रमांनी। म्हणजे आपला वाढदिवस त्या ठिकाणी हॉटेलमध्ये मौजमजा करण्यापेक्षा कष्टकऱ्यांसाठी त्यांच्या श्रमाचा सन्मान करण्याचं काम हे केवळ भारतीय जनता पार्टीत होतं। तो आदर्श आज विभीषण वारेंनी या ठिकाणी जपला आहे, त्यांना उदंड आयुष्य या ठिकाणी मिळावं अशा प्रकारच्या आई जगदंबेचरणी प्रार्थना करतो। खरं म्हणजे वारे पहिले भाजपमध्ये नव्हते, परंतु आज देशभर सगळं वारं हे भाजपच्या बाजूने आहे, त्याच्यामुळे वाऱ्यासोबत वारे राहिले पाहिजेत आणि ते काम त्यांनी योग्य वेळी केलं आहे। त्यांच्या माध्यमातून इथल्या जनतेला जे जे हवंय, जो जो विकास हवाय तो निश्चितपणे आपण देऊ आणि वारेच्या सामाजिक वाटचालीमध्ये मी पूर्णपणे ताकदीनं त्याच्या पाठीशी उभा असेन हाही विश्वास आपल्या माध्यमातून जनतेला देतो। किस तरह का माहौल रहेगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, किस तरह का जो है आने वाले समय में? मोदी है तो मुमकिन है, अगर विश्व में मोदी साहब लोकप्रिय है तो हमारे कर्नाटक के लोग क्यों नहीं मोदी साहब को आशीर्वाद देंगे। इसलिए कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी का सरकार आएगा, आएगी, भारतीय जनता पार्टी का भी झंडा वहाँ लहरेगा और आप देखोगे 13 तारीख को कर्नाटक की सत्ता भी भाजपा की रहेगी। क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस गाली गलौज मोदी साहब को करता है, आज देश की सेवा मोदी साहब कर रहे हैं, खुद के लिए कुछ नहीं देश के लिए कर रहे हैं, तो ऐसे नेता के ऊपर जब गाली गलौज होता है तो उसका बदला लोग मतदान के माध्यम से लेते हैं, वो कर्नाटक में होगा। सर, फिल्म में जिस तरह से विरोधी पक्ष कर रहा है कि पूरी तरह से प्रोपोगंडा है, सिर्फ अल्लाह अल्लाह को प्रमोट किया गया है, तो अभी ऐसा बोलेगा तो उनका प्रोपोगंडा आप कर रहे हैं ऐसा हम बोलेंगे ना? कैसा देखते हो, नजरिया कैसी है वैसा दिखता है। महिला सशक्तिकरण, महिला सम्मान के लिए क्या कहेंगे? मैं कहीं पहले और था, जब भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करने के बाद हमें सिखाया जाता है कि नारी का सम्मान करो, उस परंपरा पे हम भाव के इस पे से चल रहे हैं। और मेरा दोस्त जैसा पई ठाकुर जैसा मेरा दोस्त रमेश है, मैं शिंदे, उनके साथ जुड़ने के बाद मुझे समझ में आया कि प्रोग्राम लिया जाता है, पक्ष में रहने की जरूरत नहीं होता है, उसका चालू हाँ और उसके बाद में सब मौजूद पता चला कि प्रोग्राम कैसे लिया जाता है, कैसा काम बीजेपी ऐसा एक पक्ष है जिसमें कैसे काम किया जाता है, मुझे तो पता नहीं था। पहले ये पहली शुरुआत है मेरी, जब मेरा बर्थडे है, भाऊ ने ये किया, अच्छे तरह ये किया, मुझे सपोर्ट किया, मुझे भाऊ से कल एक ही उम्मीद है कि मेरा हमेशा सपोर्ट ऐसा करते रहे, बाकी कुछ उम्मीद नहीं है। विश्वर जी, आज समाज सेवा के साथ में जन्मदिन का महोत्सव मनाया, कैसा लग रहा है आपको, क्या कहेंगे? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा कि जो जानकारी नहीं थी, बीजेपी पक्ष में आने के बाद, भाऊ के जुड़ने के बाद मुझे पता चला कि कैसे काम किया जाता है, समाज सेवा की जाती है, मुझे पता चला है। इतना बेहतरीन कार्यक्रम करने वाले भाई भाई के लिए क्या दोष? मैं चाहता हूँ कि ऐसा दोस्त हर इंसान को मिले जो दुख में सुख में सब जगह साथ दे। मेरे जो चार दोस्त थे ऐसे, जैसे रमेश हो गया, भाई हो गए, नवरकर मामा हो गए, मैं शिंदे हो गया, उन्होंने मुझे बहुत साथ दिया। जैसे मैं दुख में था कुछ दिन पहले, जो मुझ पर हमला हुआ था, अब उनका नाम लूँगा नहीं, क्योंकि नाम लूँगा तो बड़े होंगे बिना मतलब के, तो उनका नाम लूँगा नहीं, जो कि मुझे किया था वो तो उन्होंने सपोर्ट जो किया मुझे, और यहाँ तक जो भाऊ ने जो मुझे सब कुछ दिया, मान सम्मान सब कुछ दिया, वो वही की जाता हूँ कि ऐसा बना रहूँ मैं विजय में और सेवा करता रहूँ। आपके बैनर में एक वाक्य का इस्तेमाल बहुत बढ़िया किया गया है, जो अपने आप को सब कुछ समझता उसे आप कुछ भी नहीं समझते। नहीं समझता मैं, जो आपने वो खुद को ये समझता तो मैं उससे कम नहीं हूँ, जो भी कोई हो। अब कुछ दिन पहले मतलब बोलना नहीं जैसा नाम लूँगा नहीं मैं कि यहाँ ये आए थे और उन लोग गलत तरीके से बोले गए कि ऐसे वैसे लोग यहाँ के लोग ऐसे है,
अरे वो खुद को देखे पहले वो कैसे है, बाकी दुनिया को बोले, बाकी तो क्या जिन पे होता है वही बोला जाता है। बाकी जो थैंक यू भाई। एक चीज कॉमन है कि आप जब भी कार्यक्रम करते हैं पक्ष प्रवेश जरूर होता है, इस बार भी देखा मैंने पक्ष प्रवेश हुआ। तो क्या पूरी तैयारी चालू रहती है लगातार भारतीय जनता पार्टी को मगाथाड़े में मजबूत करने की? हम लोग ने जो भावुक को विश्वास दिया है, जब हम लोग ने प्रवेश किया था उसी समय हमने दरेकर जी को कहा था कि अगर हम जुड़ते हैं ना तो हमारे पीछे बहुत से लोग जुड़ेंगे। अभी कम से कम इलेक्शन तक मेरे हिसाब से तो 10,000 लोगों का हम लोग प्रवेश कराएंगे। 10,000 लोगों का प्रवेश होगा क्योंकि कोई डर चुका है, किसी को डराया जा रहा है, किसी को धमकाया जा रहा है। तो ये डर और ये धमकी है थोड़े दिन ही चलने वाली है, ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। अभी यहाँ पे कितने ड्रग्स पेडलर हैं जो ड्रग्स का सप्लाई करते हैं, उनसे पैसा लेके धंधा चल रहा है। कोई गांजा बेच रहा है तो गांजा वालों से लेके पैसा चल रहा है। कुछ नेता लोग कर रहे हैं, छोटे मोटे पदाधिकारी अपना पेट पाल रहे उनसे, उनके वजह से। तो उनके लिए भी भाई को हम प्रवीण दरेकर जी को हम लोग ने लेटर दिया है, वो लेटर के लिए अभी वो हमको 2-3 दिन में समय मिलेगा तो ज्वाइंट सीपीसीपी के पास हमको लेके जाने वाले। उसके बाद हम लोग ट्रैप लगाएंगे और ये मगाथाड़ा में जितने ड्रग पेडलर है, कॉरेक्स बेचने वाले, ड्रग पेडलर, गांजा बेचने वाले, जिससे हमारी पीढ़ी नस्ल ख़राब हो रही है। आज देखो ये सब केतकीपाड़ा, वैशाली नगर, ये सब झोपड़पट्टी है एरिया है रावलपाड़ा। तो इसमें क्या हो रहा है, जो गरीब घराने के बच्चे घर में चोरी कर रहे हैं, माँ को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, बहन का सोना बेच रहे हैं, नशा कर रहे हैं, तो जहाँ से नशा का शुरुआत हो रहा है उसको हम लोग ख़त्म करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बस ये आप लोग का आशीर्वाद चाहिए। आज आपका आपके यार का बर्थडे है, क्या कहेंगे यार के लिए? तो मेरा भाई है, सुनो मेरा भाई है वो, और प्रवीण दरेकर जी हमारे अभी के नहीं है, बहुत जूने हम उनके पास। किसी को लगता रहेगा अभी अभी जा रहे हैं, प्रवीण दरेकर जब मनसे में थे उस समय से हम लोग उनके पास ही है। मगर हमारे ऊपर दबाव लाया गया, हमारे पे खोटा केस कराया गया, हमको खोटे केस में फंसाया गया, हमको प्रेशराइज किया गया। और उस टाइम पे दरेकर जी मुंबई उपाध्यक्ष थे, उतनी पावर नहीं थी, आज तो हम लोग पावर में है ना। झूठ ज़्यादा दिन चलता नहीं है। यहाँ पे कुछ दिन पहले हुआ था, छोटा मोटा कुछ अजाई सामान लिए थे इन लोग, तो बोले बिल्डिंग वाले नालायक है, ये है वो है। अरे किसी को क्यों नालायक बोल रहे हैं, वो बिल्डिंग में रहते नालायक कैसे हो जाएंगे? और हम अगर हम झोपड़पट्टी में रहते तो हम भी तो नालायक नहीं है। तो सब लोग अच्छे लोग हैं, हमारा देखने का नज़रिया चेंज करना चाहिए। अगर तुम कुछ अच्छा काम करते हो तो तुम्हारे साथ अच्छे लोग जुड़ेंगे, तुम बुरा करोगे तो कोई नहीं जुड़ने वाला है। और दरेकर जी के साथ में हम लोग हर तरह से हैं। हमारे नवनाथ जी है, ये सुरेश सिंधे जी हमारे यहाँ जा, सुरेश भाई जी है वार्ड नंबर 11 के, वो भी भाऊ के साथ में बहुत जुने। तो जितने जुने लोग हैं सब जुड़ रहे, और जुना तो सोना अस्तो भाई, ये लक्षात ठेवा आणि सर्वांना सांगा, है कि नहीं? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ओ नवनाथ।